कप्पू सोसाइटी में कोई नहीं है, झाड़ू लगा फिर। कप्पू यार कितना सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, चलो ना मैं भीगती हूँ, बड़ा मजा आएगा। भीग के तू बहुत गंदी लगती है, ऐसे बिल्ली के बच्चे जैसे 2.5 किलो की निकल आती है। चल यहाँ क्या कर रही हो, अंदर मरीज मर रहा है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ऊपर वाला। तुम कैसी नर्स हो, खूबसूरत। अंदर पेशेंट का पेट खुला हुआ है। तो मैंने ही खोला है, उसने चीटिंग की मेरे साथ, पता है मुझसे कह रहा था कि बम्पर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं खोल के देखूंगा। मैंने खोल के देखा, उसका दिल उसी के पास था। चीटर झूठ बोलता है, मैं नहीं उसको बंद करने वाली, खुला पड़ा रहे उसको। बम्पर तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगी। हाँ तो निकाल दो, वैसे भी हॉस्पिटल में मेरा कोई खास काम नहीं है, मेरा मेन काम यही है, मेरा फेवरेट फूड दही है। मूली के पराठे बना रही हूँ। लंदन ना कभी मूली के पराठे, अब मूली का पास्ता बना देती। कुछ भी करूं अप्रिशिएट तो करते हो नहीं। और ये नानी के घर को ये क्या बना दिया है? मैंने एंटीक गिफ्ट शॉप खोली है। एंटीक साड़ी तो मेरी है। तो 250 साल पुरानी चीजें एंटीक ही होती है। ये साड़ी इसकी दादी के पूर्वजों को महाराज अकबर ने गिफ्ट दी थी। एक बार महाराज अकबर का वॉश बेसिन ब्लॉक हो गया, इसकी परपट दादी ना मुंह से वॉश बेसिन खोल दिया, उसने खुशी से देने का तक लिया, दे दो साड़ी। ये भगवान कितना झूठ बोलते हैं आप। तेरी माने ने झूठ बोला था, जैकलिन फर्नांडिस बोल के इसको मेरे पल्ले बांध दिया। एक सेकंड, तुम्हारी दादी ने भी तो कहा था कि लड़का हीरो है। उस समय झूठ बोला होगा, अब तो धीरे धीरे बनी रहा हूँ। तेरी शर्म नहीं आती पति के साथ जुबान लड़ाते हुए? तो पति जैसे काम भी क्या करो ना। पाजी सुहागरात वाले दिन मैंने गिफ्ट मांगी, इन्होंने पेन से मेरे हाथ में घड़ी बना दी। अंधेरा था सुहागरात वाले दिन। मुझे लगा खूबसूरत होगी, मैंने महंगी घड़ी बना दी, मेरे को पता निकला ऐसी निकलेगी, मैं लोकल घड़ी बनाता ये। शर्मा जी क्या हमेशा इतना ज्यादा मजाक करते रहते हो, अपने हनीमून पे भी कोई गिफ्ट नहीं दिया, एटलीस्ट वो देखो ना शाहजान को देखो, उन्होंने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया। उसकी बेगम भी मुमताज थी, तुम्हारे लिए मैं ऑमलेट ना बनाऊं, ताजमहल बनाऊं। अरे तो अच्छा ताजमहल नहीं तो ये शीशा ही ले लूं। खबरदार शीशे को आग लगाए दो। पता है शीशा किसका है? जयपुर की महारानी का शीशा है। तो मैं कौन सी जयपुर की महारानी से कम हूं? जंतर मंतर जैसा मुंह और जयपुर की महारानी लग रही। ज्योग्राफी की बहुत नॉलेज है इसको, इतनी कहीं मेकअप की होती है थोड़ी बहुत ठीक लगती। तेरा बाप इधर से उधर चीजें उठा के लाता रहता है, उनसे बोल के किसी दिन आईब्रो मंगवा ले, पता चले तेरी आंखें हैं कहां।